हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट फार्मूले को डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी फार्मूले को कहीं एक जगह कॉपी पे लिखिएगा, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि लिखते समय ही सभी फार्मूले आपको जबान पे याद हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आपके सामने ये फार्मूले हैं, इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति फार्मूला। सभी इम्पोर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला बन सकते हैं त्रिकोणमिति से, उन सभी फार्मूले को एक जगह लिख के आप सभी के लिए लाए हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। इससे आपके, ये फार्मूला आपका है, इससे आपके चार फार्मूले बनते हैं। उन सभी फार्मूले को भी यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से फार्मूले बनते हैं। देखिए, ये आपके सामने फर्स्ट फार्मूला है। यदि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करते हैं, जिससे फार्मूला आपका बनता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि साइन थीटा का मान ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों को यहाँ से रूट लेते हैं, जिससे आपका साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है करड़ी में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह यदि कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे हम पक्षांतर करते हैं, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला बनता है आपका वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि हमको कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों का रूट लेंगे, रूट लेने के बाद आपका फार्मूला बनेगा कॉस थीटा इक्वल टू करड़ी में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं हम। आपका नेक्स्ट फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपका है, इससे अन्य चार फार्मूले देखते हैं कौन से बन सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये चार फार्मूले हैं। यदि आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो टेन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला बनता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि सेक थीटा का मान ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों का रूट लेते हैं, रूट लेने के बाद आपका फार्मूला बनेगा सेक थीटा इक्वल टू करड़ी में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपका नेक्स्ट फार्मूला बनेगा कि टेन स्क्वायर थीटा के यदि मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है तो टेन थीटा को इस सेट पर छांद्र कीजिए, वन को इस सेट पर छांद्र करेंगे, जिससे आपका फार्मूला बनेगा कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और यदि टेन थीटा का मान ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों का रूट लेंगे तो आपका फार्मूला बनेगा टेन थीटा इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। चलिए नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। यहाँ से भी आपके चार फार्मूले बनते हैं, उन सभी फार्मूले को देखते हैं कौन कौन से फार्मूले बनेंगे। देखिए, ये यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो काट स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करते हैं, जिससे आपका फार्मूला बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस काट स्क्वायर थीटा। यदि कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों का रूट लेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है करड़ी में वन प्लस काट स्क्वायर थीटा। इसी तरह काट स्क्वायर थीटा को ज्ञात करना है तो काट स्क्वायर थीटा को इस साइड पर पक्षांतर करेंगे, एक को इस साइड पर पक्षांतर करेंगे, जिससे आपका फार्मूला बनेगा काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और यदि काट थीटा का मान ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों का रूट लेंगे तो काट थीटा इक्वल टू होता है करड़ी में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। चलिए नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा। यानी कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा के अन्य फार्मूले को देख लेते हैं। तो अन्य फार्मूला आपके सामने है कि कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। और नेक्स्ट फार्मूला कॉस टू थीटा का होता है साइन के रूप में वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस टू थीटा का फार्मूला टैन के रूप में देखते हैं तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस टू थीटा के भी चार फार्मूले हो जाते हैं। इन सभी फार्मूले को फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी फार्मूले को एक जगह कॉपी पे लिखिएगा, जिससे आपको सभी फार्मूले याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट फार्मूला है कि साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन टू थीटा का टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। और टेन ग्रुप में देखते हैं तो साइन टू थीटा का फार्मूला होता है आपका
कि 2 टैन थीटा अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स ये थीटा है तो 2 टैन थीटा अपान 1 प्लस टैन थीटा टैन स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं आपका टैन के रूप में। तो आपका नेक्स्ट फार्मूला है कि टैन 2 थीटा। देखिए टैन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 टैन थीटा अपान 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इन सभी फार्मूले को आप याद रखिएगा कि टैन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 टैन थीटा अपान 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका है कि साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। चलिए साइन ए माइनस बी का फार्मूला देखते हैं। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का होता है कि साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। इन दोनों फार्मूले को देखिए एकदम सेम है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेते हैं और ये सेम है एकदम। चलिए कास ए प्लस बी का फार्मूला देखते हैं। तो कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरह कास ए माइनस बी का फार्मूला देखते हैं। तो कास ए माइनस बी का फार्मूला होता है कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसको और इसको फार्मूला, इन दोनों फार्मूले को देखिए। ये देखिए कास ए कास बी साइन ए साइन बी, कास ए कास बी साइन ए साइन बी, फार्मूला सेम है। देखिए बस चिन्ह का अंदर है, यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिया गया है। चलिए नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं। आपका नेक्स्ट फार्मूला है टैन ए प्लस बी। टैन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी अपान वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। यानी देखिए आपका फार्मूला हुआ टैन ए प्लस बी का, टैन ए प्लस टैन बी अपान वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस और इसके अपोजिट माइनस लिया गया है। इसी तरह टैन ए माइनस बी का फार्मूला देखते हैं। ये तो टैन ए प्लस बी का था, टैन ए माइनस बी का फार्मूला देखते हैं। तो टैन ए माइनस बी का फार्मूला है, देखिए टैन ए माइनस बी का है कि टैन ए माइनस टैन बी अपान वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी। इन दोनों फार्मूले के देखिए सिर्फ चिन्ह का अंतर है, यदि प्लस यहाँ पे है तो प्लस लेते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, इसका अपोजिट यहाँ पे प्लस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूले के देखते हैं। आपका नेक्स्ट फार्मूला कौन सा है? नेक्स्ट फार्मूला है काट ए प्लस बी। काट ए प्लस बी का फार्मूला होता है काट ए इंटू काट बी माइनस वन अपान काट ए प्लस काट बी। इसी तरह काट ए माइनस बी का फार्मूला देखते हैं। तो काट ए माइनस बी का फार्मूला है कि काट ए इंटू काट बी प्लस वन अपान काट बी माइनस काट ए। इन दोनों फार्मूले के देखिए सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिया गया है और इसका अपोजिट प्लस है। यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस लिया गया है। बस इन फार्मूले को एक बार लिखिएगा फ्रेंड्स, ये सभी फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं कि आपका नेक्स्ट फार्मूला कौन सा है। नेक्स्ट फार्मूला आपका है साइन थ्री थीटा। साइन थ्री थीटा का फार्मूला होता है कि थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन पे क्यू थीटा, ये फार्मूला होता है। इसी तरह कास थ्री थीटा का, कास थ्री थीटा का फार्मूला देखते हैं कि फोर कास क्यू थीटा माइनस थ्री कास थीटा होता है। और इसी तरह देखिए साइन थ्री थीटा कास थ्री थीटा, तो टैन थ्री थीटा का फार्मूला देखते हैं। तो टैन थ्री थीटा का फार्मूला होता है कि थ्री टैन थीटा माइनस टैन पे क्यू थीटा अपान वन माइनस टैन, वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले होते हैं फ्रेंड, इन सभी फार्मूले को आप एक जगह लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। आपका नेक्स्ट है कि साइन कोष्ट में माइनस थीटा है, इसको हम माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। यानी कि साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि कास माइनस थीटा है, इसे प्लस कास थीटा लिखते हैं। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सभी फार्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इजकल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है फार्मूला। देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। नेक्स्ट फार्मूला आपका है कि कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी होगा, तो इसका फार्मूला होगा कि कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे इनटू है, कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी का फार्मूला होता है कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं।
आपका नेक्स्ट फार्मूला है कि कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी, ये आपका साइन के रूप में यदि हम लेते हैं इसी फार्मूले को तो साइन के रूप में होगा, यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे और साइन ए प्लस बी होगा, साइन ए माइनस बी होगा। फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है पोस्ट में ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसी रूप में देखिए ए जैसे साइन स्क्वायर इसी रूप में ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरह करके यदि आप इसे रिलेटेड करके याद करते हैं तो आप इन फार्मूले को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं आपका कि नेक्स्ट फार्मूला क्या है आपका कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी यदि कहीं पर लिखा है तो उसका फार्मूला होगा टू साइन ए इंटू कास बी, टू साइन ए इंटू कास बी। नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं आपका नेक्स्ट फार्मूला है कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है टू कास ए इंटू साइन बी। बस इसको रिलेटेड करके और समझ के यदि आप फार्मूले को लिखते हैं तो सभी फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका है कि कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी यदि लिखा है तो इसका फार्मूला होगा टू कास ए इंटू कास बी। ये देखिए फार्मूला आपका है। नेक्स्ट फार्मूले देखते हैं आपका नेक्स्ट फार्मूला है कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है कि कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी, तो आपका फार्मूला होगा टू साइन ए इंटू साइन बी होता है, टू साइन ए इंटू साइन बी होता है। नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं आपका नेक्स्ट फार्मूला है कि साइन सी प्लस साइन डी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। फ्रेंड्स देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है कि टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू, यानी टू साइन, देखिए याद करने का तरीका क्या है कि साइन सी प्लस डी का फार्मूला होता है साइन टू इंटू साइन, देखिए सी प्लस डी का हाफ कीजिए इंटू कास, इन दोनों का अंतर कीजिए साइन सी माइनस डी अपॉन टू, देखिए टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कास सी माइनस डी अपॉन टू। चलिए नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं आपका नेक्स्ट फार्मूला है कि साइन सी माइनस साइन डी, इसका भी फार्मूला क्या होता है टू कास सी प्लस डी अपॉन टू, यानी कि इन दोनों को योग कीजिए और आधा कर दीजिए इंटू साइन लिखिए, फिर इन दोनों का अंतर कीजिए सी माइनस डी अपॉन टू और इसका आधा कीजिए। चलिए नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं आपका नेक्स्ट फार्मूला है कि कास सी प्लस कास डी, कास सी प्लस कास डी का फार्मूला होता है टू कास सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कास सी माइनस डी अपॉन टू, देखिए कास कास लिखा है तो कास कास का होता है कास और कास होगा, इन दोनों का योग कीजिए आधा कीजिए, फिर इन दोनों का अंतर कीजिए आधा कीजिए। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं आपका नेक्स्ट फार्मूला है कि कास सी माइनस कास डी का फार्मूला क्या होता है। कास सी माइनस कास डी का फार्मूला होता है कि देखिए ये माइनस है, माइनस होगा टू साइन सी प्लस डी अपॉन, मतलब कि सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। देखिए यदि कास सी माइनस कास डी है, यदि कास कास है तो साइन साइन लेंगे, यहाँ पे साइन साइन लेंगे और माइनस लेंगे, इन दोनों के योग करके पहले हाफ करेंगे फिर इन दोनों का अंतर करके हाफ करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके त्रिकोणमिति से जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला बन सकते हैं उन सभी फार्मूले को यहाँ पे आप एक जगह लिखिएगा। ये फार्मूले आपके चाहे क्लास 9 हो, 10 हो, 11, 12 या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये सभी फार्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।